हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं 12th मैथमेटिक्स मॉडल सेट के सॉल्यूशन के बारे में, जो कि बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, यहां पर टाइम जो दिया रहेगा आप लोगों के लिए 3 and 15 minutes दिया रहेगा, और मैथ का जो टोटल फुल मार्क्स है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव एवं 50 मार्क्स का क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव एवं 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिसको आप लोग आराम से वीडियो को रोककर और पढ़ सकते हैं। अब नीचे चलते हैं, तो नीचे में दिया गया है सेक्शन ए। सेक्शन ए में क्या दिया गया है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो आपको बता दूं कि ये सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एवं सेक्शन बी में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन बी में सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे दिया गया है 1 to 60 है 4 ऑप्शन, बट आउट ऑफ व्हिच ओनली 1 इज करेक्ट। आपको जो क्वेश्चन मिलेगा, 160 टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से आपको केवल 50 का ही आंसर देना है। मैथ के अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम हो, तो डाउट नेट ऐप ओपन करें, स्कैन बटन पर क्लिक करें, फिर जाके जो कोई क्वेश्चन जिसमें आपको डाउट हो उस क्वेश्चन को स्कैन करें, अच्छे से स्कैन कर ले, यहाँ पे क्रॉप कर ले, फिर जाके क्वेश्चन नंबर ना आए बाकी पूरा क्वेश्चन अच्छे से सिलेक्ट कर ले, फिर फाइंड सोल्यूशन पर क्लिक करें, सही इमेज को सिलेक्ट करें, फिर जो है क्वेश्चन स्कैनिंग होगा, फिर कुछ ही सेकेंड में आपको जो है यहाँ पर वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आपको बता दूं कि ये वीडियो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए हैं। यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर आप हिंदी मीडियम का वीडियो देख सकते हैं। तो यहां पर पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इफ़ आर बी अ रिलेशन इन एनी सेट ए सच डैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज डैट एक्स जेड बिलोंग्स टू आर देन द रिलेशन आर इज कॉल्ड व्हाट। तो इसका राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा? सी, ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स एंड वाई जो है सो आर से बिलोंग करता है, एंड वाई एंड जेड क्या है ये भी आर से ही बिलोंग करता है। तो ऑब्वियसली है कि क्या एक्स एंड जेड जो होगा वो भी आर से ही बिलोंग करेगा। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव फंक्शन कहते हैं। तो हमारा 1 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कॉस इनवर्स एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू फाइंड करना है हमें, जहाँ पे एक्स का जो वैल्यू होगा वो -1 से लेकर 1 तक होगा। तो इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा डी, π/2 - sin inverse x। 2 का जो आंसर होगा क्या? π/2 - sin inverse x। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, tan inverse x + tan inverse y इक्वल टू व्हाट। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि tan inverse x + tan inverse y क्या है, ये तो आइडेंटिटी है। तो इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, tan inverse x + y / 1 - xy इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? तो ये जो एलिमेंट है इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 8 × 3 - 9 × 2, तो यहाँ पे 24 - 18 इज इक्वल टू क्या होगा? 6। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी 6 जो है सो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 का। अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें भी क्या है? डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ऑन द सेम वैल्यू। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं? 5p - 4q = 0। तो इसको हम लिख सकते हैं py4 - qy5 = 0। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी जो होगा 5 का राइट आंसर हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें भी डिटरमिनेंट फाइंड करना है।
तो 6 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो सी, 0 जो है 6 का राइट आंसर हो जाएगा, 001 देन IQ। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यदि किसी भी एलिमेंट से गुणा करते हैं तो वो एलिमेंट ही हो जाता है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमको 3 बार गुणा करना है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्यू निकालना है। तो यदि हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 3 बार गुणा भी करेंगे तो हमें क्या फाइंड होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। इसलिए 7 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, 1001। 7 का जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर होगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 3 × XYZW। अब जैसा कि आप लोग मालूम हो मैट्रिसेज में क्या है कि यदि किसी भी नंबर से यदि मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स का जो जितना भी एलिमेंट रहेगा वो सारे एलिमेंट को उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 3 से हमको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे ये जितना भी एलिमेंट है हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3X, 3Y, 3Z एंड 3W, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी। तो 8 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा, डी जो है राइट आंसर आपको हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है हुच ऑफ द फॉलोइंग इज अ जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब जो मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या हो, जीरो हो। तो हमारा 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन बी में है ये मैट्रिक्स में क्या है, सारा एलिमेंट जीरो है। तो हमारा 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। इसमें दिया गया है 5 × X 235 + 3 × 1 − 3 y = 23 1 21 52, इम्प्लाइज डैट एक्स एंड वाई का वैल्यू हमें फाइंड करना है। 10 में क्या करना है हमको, एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है क्या होगा। तो 10 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ओ सी, X = 4 and Y = 9। तो 10 का जो राइट आंसर होगा हमारा सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो डिफ्रेंसिएशन से दिया गया है। तो 11 नंबर में डिफ्रेंशिएटर 5X² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा ये 5X², यहाँ पे 2 जो है उसको इंटू में लाते हैं और 5 × X, एक्स का जो एक वैल्यू घटा देते हैं, तो इसका हो जाएगा 10X। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी, 10X हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया गया है D sin 3X / 3 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि साइन का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स इसका डिफ्रेंशिएशन होता है। तो इसका जो आंसर फाइंड कैसे करेंगे, साइन 3X का डिफ्रेंशिएशन क्या हो, ये 3 जो है सो उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 3 × और साइन का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कोस होता है, तो कॉस 3X हो जाएगा और बाय में 3 दिया है तो 3, ये 3 से 3 कट जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉस 3X, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया गया है DE^2X / DX का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। तो DE^X का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो E^2X ही होता है, और यहाँ पे 2X दिया गया है तो यहाँ पे हो जाएगा E^2 × E^2X, क्योंकि ये जो 2 है इधर मल्टीप्लाई में चलाएगा जब डिफ्रेंशिएट होगा। तो 13 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, 2 × E^2X हो जाएगा इसका राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया गया है D cos 2X का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। तो हमने पहले पढ़ा था कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो -sin X होता है। तो इसका जो राइट आंसर फाइंड करेंगे तो ये कॉस 2X है,
तो ये टू इधर मल्टीप्लाई में चलाएगा तो टू इंटू, और कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन एक्स, तो एक्स के जगह पर टू है तो टू एक्स हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा माइनस टू इंटू साइन टू एक्स, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें दिया गया है डी कॉस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको हम टू पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे और प्लस डी ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे ये पार्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई टू द पावर एक्स ही हो जाएगा, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, जो कि ऑप्शन हमारे सी में दिया गया है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा सी। अब हम 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें दिया गया है डी लॉग टू एक्स बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। तो 16 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर 1/2x हो जाएगा इसका राइट आंसर। पावर कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि e टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर x होता है, तो यहाँ पे e टू द पावर cos x दिया गया है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा e टू द पावर cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। तो एक हो जाएगा cos x इंटू माइनस साइन x, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी, माइनस साइन एक्स इंटू ई टू द पावर कॉस एक्स। अब 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है डी ए टू द पावर टू एक्स वेयर ए क्या है, ग्रेटर देन जीरो। अब 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो लॉग ए। अब 19 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, तो इसमें दिया गया है एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू व्हाट। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी, माइनस कॉट थीटा जो है राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है डी टू एक्स 20 बाय डी एक्स स्क्वायर, यानी इसको क्या करना है, ये डबल डिफ्रेंशिएशन है, तो इसको दो बार हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको फर्स्ट बार यदि डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें फाइंड होता है एक्स 20 है, तो इसको 20 इंटू एक्स टू द पावर 90। अब इसको हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इंटू 90 इंटू एक्स टू द पावर 80, यानी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो 380 इंटू एक्स टू द पावर 18, जो कि हमारे ऑप्शन सी में है। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें दिया गया द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस टू एक्स एट एक्स इज इक्वल टू टू इज व्हाट। तो इसमें वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस टू एक्स, अब इसको हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस टू होगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 3x² माइनस टू होगा। अब यहाँ पे हमें x का वैल्यू पुट करना है, तो यहाँ पे x इक्वल टू टू दिया है, तो x का वैल्यू यहाँ पे हमें पुट करना है, तो 3 इंटू टू स्क्वायर माइनस टू, यानी 2 × 4 = 12 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना 10। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी। अब 22 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है द फोर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स द मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 − x + x² बाय 1 + x + x² इज व्हाट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, इस इक्वेशन का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या होगा 1, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है द नॉर्मल टू द कर्व x² = 4y एट द पॉइंट 2 1,
तो इसका वैल्यू फाइंड करना है, यानी इक्वेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, अपर पाराबोलिक ग्राफ बनेगा। तो 23rd नंबर का जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा, ए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इसका आंसर हो जाएगा। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें दिया गया है थ्री इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 + 1। तो इसका आंसर हो जाएगा x³/3, x³/3। और यहाँ पे इंटू में 3 दिया है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, x³ + c, वह c क्या है, एक कांस्टेंट है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 24 का बी हो जाएगा। अब 25th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें दिया गया है 4 × ∫ sin⁴x dx क्या होगा। तो जैसा कि आप लोग मालूम होगा कि sin⁴ sin x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, -cos x होता है। तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं, तो 4 × sin⁴ का जो इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos x। तो cos⁴ क्या होगा, 4। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, -cos⁴x। क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ cos⁷x dx। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो sin x होता है। तो इसका सॉल्यूशन यदि फाइंड करते हैं तो cos⁷x है, तो ये 7x cos का जो इंटीग्रेशन होगा क्या, sin⁷x होगा, और ये 7 है, ये डिवाइड में चलाएगा, तो sin⁷x/7+k जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा डी में दिया गया है। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ ex dx क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ e² का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इसको फाइंड करते हैं, तो e² है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e²x+1/x+1। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, इसका जो 27 का जो राइट आंसर क्या होगा, बी e²x+1/x+1 कॉन्स्टेंट। अब हम 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ x²-5x+6/x-2 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो 28 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो बी हो जाएगा, x²/2-3x+। तो 28 का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। तो इसमें दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx क्या होगा, sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो 29 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा सी, log mod of sec x + tan x + k। तो 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ cos x² dx इज इक्वल टू व्हाट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, बी हो जाएगा, x²+1/4 sin 2x+k। तो 30 का राइट आंसर आपको हो जाएगा बी। अब 31st नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, तो इसमें दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ sin x² -cos x² x/sin x² x into cos x² x dx। तो 31st का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, tan x + cot x + k। के क्या है, एक कॉन्स्टेंट है। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ dx/ax² - x² का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ए, 1/2a log a² - x² + k। तो 32 का आंसर हो जाएगा ए।
अब 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया गया है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या होगा, वह क्या है 2 से 3 तक एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यू बाय 3। अब इसको हम 1, 2 से 3 तक वैल्यू रखेंगे। अब इसको कैसे हमें फाइंड करना है, तो एक बार क्या करना है, एक्स क्यू बाय 3 के जगह पर एक बार हमको 3 रखना है। तो 3 का क्यू बाय 3 और माइनस एक बार एक्स क्यू के जगह पर 2 रखना है, तो 2 का क्यू बाय 3। तो इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा 27 माइनस 8 बाय 3। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 19 बाय 3, यानी ऑप्शन सी। 33 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अब 34 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है -π/2 से π/2 sin 5x dx का सॉल्यूशन क्या होगा। तो हम आपको बता दूं कि sin x यहाँ पे क्या है, ओड फंक्शन है अभी। तो sin x जब ओड फंक्शन रहता है तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0। तो 34 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 34 का राइट आंसर 0 हो जाएगा। इस नंबर देखते हैं 35 नंबर, कॉट इनवर्स एक्स डी एक्स का क्या वैल्यू होगा। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, π/2। तो यहाँ पे π/2 क्या हो गया, एक हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिल गया, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है, इंटीग्रेशन फाइंड नहीं होता है। तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा 35 का वो π/2 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो सही हो जाएगा, 35 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया गया है द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d3y/dx³ + 2 × d2y/dx² का होल स्क्वायर माइनस dy/dx + y का डिग्री क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा 1, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया गया है द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² + y × dy/dx का होल क्यू प्लस y = 8। तो इसका जो ऑर्डर होगा जो क्या होगा, ऑर्डर 2 होगा, क्योंकि ये जो डिफरेंशियल है ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है। तो हमारा 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो हो जाएगा राइट आंसर। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया गया है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इक्वल टू dy/dx इज इक्वल टू 1 + y² / 1 + x² इज इक्वल टू व्हाट। तो 38 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो ए सी हो जाएगा, 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी जो है, सो 38 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दिया गया है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx - y = cos x इज। तो इसमें क्या कर रहा है, हमको फाइंड क्या करना है, इसमें हमको फाइंड करना है IF, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ये जो माइनस वाई वाला पार्ट है ये क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करने के लिए हमें e^(-y) का जो वैल्यू अभी क्या है, माइनस है, यानी -1 है। तो एक्स यानी e^(-x) जो होगा हमारा आंसर होगा, यानी 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया गया है द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x(dy/dx) - y = 2x³, वेयर एक्स क्या है, > 0 है। तो इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा ए, y = x³ + k हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया गया है j^(-what), मोड ऑफ j^(-what). तो इसका फाइंड क्या करना है,
इसको कैसे फाइंड करते हैं? तो इसको फाइंड करने के हमें फॉर्मूला है कि आई वेक्टर का जो रहता है उसका स्क्वायर प्लस जे वेक्टर का रहता है उसका स्क्वायर प्लस के वेक्टर का रहता है उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे दिया गया है आई वेक्टर नहीं है इसका मतलब क्या है, जीरो, एंड जेड वेक्टर भी नहीं है इसका मतलब जीरो। तो हमको क्या फाइंड करना है, रूट अंडर जे का, जे क्या है वन, तो वन का स्क्वायर वन हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अब 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया गया है मोड ऑफ आई प्लस जे प्लस के वेक्टर का आंसर क्या होगा। तो इसका भी सेम फॉर्मूला समझिएगा, रूट अंडर आई का जो वैल्यू क्या है वन होगा, तो वन का स्क्वायर जे का भी वन का स्क्वायर प्लस के का भी होगा क्या वन का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा, रूट अंडर थ्री। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रूट अंडर थ्री, जो कि ऑप्शन किस में, तो डी है। तो 42 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अब 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया गया है आई डॉट जे इजकल टू व्हाट। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि यदि एक गोलाकार बना देते हैं, यहाँ पे हम आई वेक्टर को रखते हैं, यहाँ पे जे वेक्टर को रखते हैं और यहाँ पे के वेक्टर को। तो यदि हम आई से जे वेक्टर की तरफ जाते हैं तो भी जे क्या होता है जीरो, और जे डॉट के भी क्या होता है जीरो, और के डॉट आई भी क्या होता है जीरो। तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, 43 का ए, जीरो हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब 44 नंबर देखते हैं। तो इसमें बोला गया है व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू। तो 44 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, ए क्रॉस ए वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। तो 44 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अब 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया गया है द डायरेक्टर कोसाइन ऑफ द वाई एक्सिस आर। यहाँ पे फाइंड क्या करना है, वाई एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना है। तो जब हम वाई एक्सिस को बोला है फाइंड करने के लिए, तो एक्स एंड जेड एक्सिस जो होगा सो क्या हो जाएगा जीरो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 0 1 0। तो 45 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो सी हो जाएगा राइट आंसर। अब 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें बोला गया है इफ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन बी L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 हो एंड द लाइन्स बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो L1 M1 N2 एंड L2 M2 N2 क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, देन उसका डायरेक्शन कोसाइन का वैल्यू क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 इक्वल टू जीरो। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब 47 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है इफ़ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ स्ट्रेट लाइन आर -18 12 एंड -4 देन इट डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमको क्या फाइंड करना होगा, इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो। तो इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, -18 का स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसका सॉल्व क्या आ जाएगा हमको, 22, 22 आ जाएगा, 22 आ गया। अब हम इसको डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करेंगे, तो -18/22 एंड 12/22 एंड -4/22, तो ये कटेगा तो 9/11 ये हो जाएगा 6/6 अति सॉरी ये हो जाएगा 6/11 एंड ये हो जाएगा 2/11। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो 47 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है द एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन्स। यहाँ पे एक प्लेन दिया गया है और हमारा एक्यूट एंगल फाइंड करना है।
तो 48 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो 60 डिग्री, ऑप्शन सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 49 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसमें से कौन सा है, तो इसमें 49 का आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा सी, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वन जो है सो क्या हो जाएगा इसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा, यानी 49 का जो ऑप्शन सी है राइट आंसर हो जाएगा। अब 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें बोला गया है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टेंट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉन्स्टेंट, तो इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 50 का राइट आंसर बी, 2x + 3y < 5 हो जाएगा। अब 51 क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें दिया गया है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट x + y < 5 वेयर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड, यानी कि एक फंक्शन दे दिया गया है जेड इक्वल टू इतना, अब इसका हमें क्या करना है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना है जेड दिया हुआ है 2x + 3y, अब हम जेड यहाँ पर अगर हम अपने मन से यहाँ क्या बोला गया कंडीशन क्या है x + y = < 5 होना चाहिए, तो यहाँ पे z बराबर x के जगह पर 0 रखते हैं तो ये 0 और 3 के जगह पर 5 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 3 × 5 यानी 50, तो यदि आप दूसरे वैल्यू भी रख कर देखेंगे तो 50 से ज़्यादा आपको कोई भी वैल्यू नहीं आएगा, यानी 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 50 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें बोला गया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें अ क्वाइन इज टॉस्ड 10 times, एक क्वाइन को क्या किया गया है 10 बार उछाला गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 6 head इज, तो 6 head आने की क्या प्रायिकता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा 105/512 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, 53 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अब 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें बोला गया है इफ़ एन यानी नेचुरल नंबर सच डैट ए 0b इज इक्वल टू aq + bq यानी एक बाइनरी ऑपरेशन दे दिया गया है, फॉर ऑल दज वैल्यूज ए एंड बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर देन 20 इज इक्वल टू व्हाट, आपको एक बाइनरी ऑप्शन दे दिया गया है, क्या दिया गया है a0b = aq + bq, अब हम फाइंड किसको करना है 203 को, तो ए क्यू के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का क्यू और बी क्यू के जगह पर 3 रखेंगे तो 3 का क्यू, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ए यानी 35 जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें a.a×a = what, तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी 55 का राइट आंसर 0 हो जाएगा। अब 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें बोला गया है जे वेक्टर के वेक्टर एंड आई वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, तो इसका 56 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें दिया गया है जे क्रॉस के वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, जे क्रॉस के क्रॉस आई वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट क्या होगा, तो 57 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा 0, यानी 57 का ऑप्शन ए होगा सही। अब 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें बोला गया है 0 इज अ बाइनरी ऑपरेशन सच डैट ऑन नेचुरल नंबर डिफाइंड एज a0b = a² + b² व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू,
आपको एक बाइनरी ऑपरेशन दे दिया गया है, ए जीरो बी इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको इसमें से कौन सा सही है वो फाइंड करना है और कौन सा लॉ अप्लाई होता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन ए में जीरो इज बोथ एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव, ऑप्शन बी में जीरो इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, ऑप्शन सी में जीरो इज एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव एंड डी में जीरो इज नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि हमको कम्यूटेटिव के लिए क्या करना होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये क्या हुआ कम्यूटेटिव। तो यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो बाइनरी ऑपरेशन, ये कम्यूटेटिव लॉ को तो फॉलो कर रहा है बट एसोसिएटिव में क्या होता है ए इंटू बी प्लस सी इन इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस सी, इसका फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अब 59 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, तो इसमें बोला गया है टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, टू कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड, यानी दो कार्ड को रैंडमली खींचा गया है किसके ताश के गड्ढे से। तो एक्स बी द नंबर ऑफ एसेज, एक्स क्या है नंबर ऑफ एसेज है, तो व्हाट तो ई एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो 59 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा डी, यानी 2/13। 59 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब 60 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, तो इसमें दिया गया है लेट एक्स बी द लेट एक्स इज इक्वल टू 1, 2, 3 देन द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1, 2 एंड 2, 1। एक रिलेशन दे दिया गया है, उसमें आपको 1, 2 एंड 2, 1 को ऐड करके बताना है कि टोटल इक्विवेलेंस रिलेशन कितना कंटेन करता है। तो 60 का जो राइट आंसर आपको हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, यानी 60 का जो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हे दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।